সুন্দর পরোটা ডিম এন্ড আলু তরকারি কি ভালো লাগছে তা আর চানা আলু তরকারি অবশ্যই একটা ডিমের কারি দারুণ লাগে पराठा के साथ आलू दम है आलू भुजिया है ये अंडा कसा है और इसमें क्या है ये घुगनी है देखो कितना भीड़ हो गया अभी अब आता भीड़ लगा अभी स्टार्ट हो गया अभी नाश्ता हो गया अभी चा लड्डू रोटी दो पराठा आलू दम या घुगनी कुछ भी लीजिए दो का 16 रुपया 8 रुपया पीस सब्जी के साथ 8 रुपया पीस वैसे तो दुकान का मेरा 16 साल हो गई एक टोस्ट बन घुगनी पाव रोटी सब है ना दारो घुगनी ना आलू दम ये आ गया मेरा 10 रुपये का सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता कहाँ मिलेगा ये है ना हेलो पराठा के साथ आलू दम है आलू भुजिया है ये अंडा कसा है और इसमें क्या है ये घुगनी है घुगनी हाँ मटर हाँ मटर का घुगनी ये प्लेन आलू आलू भाजा है आलू भाजा आलू हाँ हाँ आलू भुजिया प्लेन है इसमें कुछ नहीं है टोटल कितना आइटम होगा यहाँ टोटल आइटम यहाँ तो बहुत कुछ है एक टोस्ट है बटर टोस्ट है चपाती है आमलेट मेरे साथ पोच उच बॉयल बोलून रोटी हाँ घुगनी आछे आलूर दम आछे तीनटे खान 22 টাকা কি দেবো ঘুগনি না আলুর দম মিক্স করে দেবো আমিও হয়ে যাবো আচ্ছা এটা আলুর দম हेलो दो पराठा आलू दम या घुगनी कुछ भी लीजिए 2 का 16 रुपया 8 रुपया पीस सब्जी के साथ 8 रुपया पीस सब्जी के साथ पराठा दो पराठा लेंगे कोई भी सब्जी हाँ कोई भी सब्जी 16 रुपया अंडा लेंगे तो अलग दाम पड़ेगा अंडा 12 रुपया अलग से वैसे तो दुकान का मेरा 16 साल हो चुका है मेरा नाम रंजीत साव है मेरा यहाँ 17 साल चल रहा है रानी हाँ और दुकान का मैंने दुकान ये आइटम चालू किए लगभग 8-10 साल तो हो चुका है और टाइमिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक और सेम बिजनेस के अलग होता है नहीं शाम को 5 बजे ख़त्म हो जाता है फिर शाम को 5 बजे चाय वगैरह टोस्ट यही सब मिलेगा अच्छा हाँ एक टोस्ट बट घुगनी पाव रोटी मूढ़ी घुगनी सब मिलेगा ये तो बोर्ड लगा हुआ है सब আর কিছু হ্যাঁ না ধরো খাবেন তো কি খাবেন ঘুগনি না আলু দম
शादी है, शादी है एक दो अरे वो पूरे गए बाद दिए दीचो नहीं साइड पे होगा कि देव घुगनी बोल ले কি দেব তোমার কটা দুটো ষোলো টাকা কি দেবো ঘুমনি না আলু দাম पराठा ज्यादा बिकता है ज्यादा लगा रहा मैंने मेरा लगा दिया है इसका कितना पड़ेगा पूरा ये दस रुपये अरे दस रुपये देखो यार सुबह का नाश्ता दस रुपये ये आ गया मेरा दस रुपये का सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता कहाँ मिलेगा इधर गाइस पानी पीने वाला वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल और देख रहे हैं सुबह सुबह हो गया आज संडे मॉर्निंग है और इतना मैंने सोचा था आज कि आप लोग के लिए कुछ अलग से वीडियो बनाऊं कि कचौरी तो बहुत हो गया बहुत कचौरी खा लिया पूरी आलू दम भी खाया तो आज हम सोचते हैं कुछ और सस्ते में जाए 25 से 20 20 से 15 अभी हम आगे 10 रुपये में ठीक है तो ये 10 रुपये का एक थाली देख रहे हैं आप इसमें आलू दम सब्जी है ये आपका हो गया घुगनी ठीक है ये हो गया आलू दम और ये हो गया पराठा गर्मा गर्म पराठा और देखो एक गर्मा गर्म पराठा एकदम नरम है और एकदम ऊपर से एकदम जो होता है लेयर क्रंची जैसा इसका सुगंध कितना अच्छा रहा इसका खाने का और मेन बात है 10 रुपये में नाश्ता सुबह का नाश्ता मज़ा आ गया यार तो अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो देखो यहाँ भीड़ अभी अभी भीड़ खत्म हो गई यहाँ पर अभी आते रखें इनके टाइमिंग बताया है भैया ने कि इनका आता टाइमिंग सुबह से लेकर और एकदम 4:30 5 बजे तक तो ट्राई करते हम लोग पहले ट्राई करते हम लोग सब्जी से पराठा सब भी लग गया पराठा गर्मा गर्म बन रहा है सब्जी वब्जी सब गर्म है कौन सा पराठा खाया सब्जी लिया ये आलू हो गया सब्जी के ऊपर डालते कुछ चाट मसाला कुछ डालते चटपटा करने के लिए वो बाकी पसंद आया हमको और ये हो गया आपका घुगनी घुगनी ट्राई करते हम इनका घुगनी जो है एकदम अलग टेस्ट है घुगनी इनका जहाँ मिलेगा बाहर में मिलेगा आपको अलग है थोड़ा सा मैंने गाढ़ा रहेगा मैं वो पानी पानी रहेगा इनका प्रॉपर बैलेंस किया हुआ है एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं है पतला भी नहीं है और इसका जो फ्लेवर जो है गर्म मसाला का है ज़बरदस्त और ऊपर का जो दिया जो पाउडर जो मसाला छीटते ऊपर में वो वाकई में टेस्ट को इन्हांस करता है पराठा तो हम अगर बता रहे पराठा के बारे में पराठा तो एकदम नरम है क्रंची बनता है ऊपर से ऊपर जो उसका जो फ्लेक्स है क्रंची होता है लेकिन पराठा नरम है ज़बरदस्त 10 रुपये का पराठा मज़ा आ गया दीदी दादा नंबर वन वेरी गुड पराठा में ये पिटाई पराठा नहीं है ऑर्डिनरी पराठा है ऑयल के साथ डाला हुआ है अब देखिए वीडियो में
और इसमें फ्लेवर है यार पराठे में, घुगनी मुगनी बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। देखो कितना भीड़ हो गया अभी, मज़ा आ गया यार। आलू दम का जो कड़ी बोलो आलू दम बोलो, इसका ग्रेवी काफ़ी है। और ये आपका हाजरा मोड़ आ गया, ये होगा ऑटो स्टैंड। हम आपको लिंक डाल देंगे एड्रेस इसका, दुकान का नाम सब चीज़ दे देंगे आपको। आइए ट्राई कीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छा टेस्ट है। धबा धब भीड़ लगा, अभी स्टार्ट हो गया, अभी सुबह का 10 बज गया अभी। जो इतना भीड़ लगा है यहाँ पर 10 बजे से, यहाँ पर 9 बजे स्टार्ट होता है इनका, लेकिन 10 बजे से बहुत भीड़ होता है इनका यहाँ से, 10, 11.30 बजे तक मिल जाएगा आपको यहाँ पर। जैसा पीछे देख रहे हैं आप कितना भीड़ है, और खाने का तो तारीफ करना पड़ेगा, वाकई में बहुत टेस्टी खाना है यार। देखो दादा बोल रहा है, अरे बाबा क्या एक्सप्रेशन स्टार्ट किया रोज आसे हैं, खूब सुंदर परोटा बनाए। अरे बाप, परोटा हाँ, चना आलू तरकारी और उस साथ एक डिमेर कारी, दारुण लगे। थैंक यू। नाश्ता हो गया, अभी चा उसमें क्या डालते थे, मिठाई लड्डू रोटी लड्डू पारोटी। ये चाय भी बन रहा आपका है, आपका बेटा है ना? देखो अभी दीदी का हो गया, अभी उनका बेटा कर रहे हैं यहाँ पर, तो पूरा फैमिली है, बहुत प्यारा सा फैमिली है, प्यार से बात करते हैं लोग। देखो चलो गाइस, अगर वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और वीडियो करते भी एंड। इतना मज़ा आया खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत मज़ा। 10 रुपये का क्या मिलेगा नाश्ता, इतने कभी हम कभी खाए नहीं 10 रुपये का नाश्ता, और हम सोचा आपके लिए बनाएगा अलग से वीडियो, तो ये ज़बरदस्त हो गया मेरा नाश्ता आज, इधर बहुत पसंद आया। आइए यहाँ पर विज़िट कीजिए, जो आ रहे हैं ठीक है, जो नहीं आए हैं वो आके विज़िट कीजिए, और आप मेरा चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। सी यू गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।